अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों और साथियों, मैं और मेरे साथ हमरा मेरे कुछ साथी जिन्होंने 2017 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऑर्डर निकला था NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे, उसके अंदर जितने भी प्राइवेट स्कूल में टीचर थे हमें डिप्यूट किया गया था। हमने गवर्नमेंट स्कूलों में जाना था और वहाँ पर जाके बच्चों के वहाँ पर टेस्ट लेना था। हमने वो काम किया, पूरे रूल एंड रेगुलेशन जो भी थे उनको हमने फॉलो किया और आज 2019 जो है ये चल रहा है, हमें कोई भी पैसा नहीं मिला उनकी तरफ से। उन्होंने जो रिकमेंड किया था कि हर बंदे के अकाउंट में 2500 रुपया जो है वो 10 दिन के बाद आ जाएगा, वो उनके 10 दिन अभी देखने को हमें नहीं मिले हैं। इसलिए हम सारे जो हैं हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चीफ एजुकेशन ऑफिसर रजौरी जो है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और DC साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वेरीफाई की जाए इस मसले की क्या बात है, आज तक वो पैसा हमें क्यों नहीं मिला है। अगर वो पैसा, हमने सुनने में आया है कि वो पैसा आया हुआ है, हर डिस्ट्रिक्ट में 2-2 लाख रुपए आया है, लेकिन अभी तक हमें नहीं मिला है, क्या बात है। सर, हमने अपना कीमती वक्त जो था वो लगा के 3 दिन हमने अपने ज़ाया किए। 3 दिन काफ़ी कीमती समय होता है एक जो अनएम्प्लॉयड बंदा होता है उसके लिए। इतने फार फ्लंग एरिया में हमें डिप्यूट किया इन लोगों ने, हमने खाना अपने साथ उठाया, हमने रात की सर्दी जो थी वो बर्दाश्त की, तो यहाँ तक कि मैं क्या बताऊँ कितने कठिन हालात का हमने उस टाइम सामना किया और वो काम जो है हमने बखूबी अंजाम दिया। लेकिन उसका सिला जो है वो हमें ये मिला है कि अभी तक हमें कोई भी पैसा नहीं मिला है सरकार की तरफ से। ये पैसा देना एजुकेशन डिपार्टमेंट ने? जी हाँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हम जो प्रिंसिपल डाइट है, डाइट प्रिंसिपल जो रजौरी है, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इन्वेस्टिगेट करें और ये हमें जो पैसा मिलना था ये पैसा हमें मिल जाए। इस ज़िमन में मेरे कुछ साथी भी हैं, आप इनसे बात करें। सर, हमारा जो मसला है, जैसे पहले आपने हाईलाइट किया है, हम DC साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं और बिलखसूस चीफ एजुकेशन ऑफिसर रजौरी जो इस वक्त मौजूद हैं उनसे ही रिक्वेस्ट करते हैं कि 2017 में प्राइवेट स्कूल से जिन टीचर्स को लगाया गया था गवर्नमेंट स्कूल में नेशनल अचीवमेंट सर्वे करने के लिए, जिसमें बच्चों का एक टेस्ट लेना था गवर्नमेंट स्कूल में जाके, तो वहाँ हमने उस वक्त वो टेस्ट लिए और एक दिन हमें डाइट में जाना पड़ा, वहाँ हमारा ये ट्रेनिंग हुआ, फिर दूसरे दिन हमने स्टेशनरी उठाई, तीसरे दिन हमने जाके टेस्ट लिया, फिर उसकी मतलब पूरी अचीवमेंट देख के हमने डायरेक्ट में ये सबमिट करवाया। हमारे अकाउंट्स नंबर लिए गए कि आपके अकाउंट में 2500 रुपया आएगा। अब हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से और एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये पूछना चाहते हैं कि वो पैसा अगर पिछले साल जुलाई अगस्त में सुनने में आया है, स्टेट इंस्टीट्यूट कमेटी आई थी यहाँ जोनल एजुकेशन ऑफिसर में कुछ वेरीफिकेशन करने के लिए, तो हमने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा डायरेक्ट में हमने भेजा हुआ पैसा, वहाँ से जाके आप ले लो, लेकिन आज तक वो पैसा आया नहीं। हम पूछना चाहते हैं क्या डायरेक्ट में ये सारे चोर लोग बैठे हुए हैं जो इन मिस्कीनों का, जो प्राइवेट स्कूल वाले टीचर थे, इनको पैसा खा दिया है या क्या किया है। हम DC साहब से ये बहुत बार अपील करते हैं कि इसका वेरीफाई किया जाए, ये पैसा कहाँ गया। अल्ताफ साहब, आप क्या कहेंगे? जैसे कि मेरे साथियों ने पहले से बोल दिया है, इसके बारे में बखूबी जानते हैं, तो उन्होंने ये बोला है कि हम PG ग्रेजुएट लोग जो प्राइवेट स्कूल में काम कर रहे हैं, तो पिछले साल उन्होंने NAS सर्वे जो थी उन्होंने हमें डिप्यूट किया गया सर्वे के तहत, तो हमें वहाँ पे एग्ज़ाम लेने के लिए बोला गया, तो जब हमने एग्ज़ाम लिया, एग्ज़ाम लेने में हमें 2-3 दिन लग गए, तो हमें उसके बारे में कुछ पैसा कुछ भी नहीं मिला। तो उस टाइम जो डाइट प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा था कि आपको विद इन 2 या 3 डेज़ में आपको पैसे मिल जाएंगे, अकाउंट हमारा उन्होंने लिख लिया था, लेकिन अभी तक हम उनसे पूछना चाहते हैं, वो 2 या 3 दिन उनके नहीं आए हैं। शुक्रिया।